हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग डिस्कस कर चुके थे पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, अब मानो कि मैंने आपको एक डीएनए का मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इस मॉलिक्यूल को डैमेज करना है, तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो। इसको डैमेज करना है, ना कि इसमें म्यूटेशन लाना है। डैमेज एक दूसरी चीज है, म्यूटेशन एक दूसरी चीज है। अगर डीएनए डैमेज हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना रेप्लिकेशन, ना ट्रांसक्रिप्शन, ना ट्रांसलेशन। पूरी तरीके से रुक जाएगा, सब कुछ रुक चुका होगा उसमें, ठीक है। लेकिन म्यूटेशन होगा तो वो काम करता रहेगा। तो हमें इसको डैमेज करना है, ना कि म्यूटेट करना है। अब हम इसको कैसे कैसे डैमेज कर सकते हैं। पहला तरीका, आयोनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू, ठीक है। दूसरा तरीका, यूवी रेडिएशन। कोई और तरीका, बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज कर लो। और कोई तरीका, केमिकल एजेंट्स ले लो। और कोई तरीका, बिल्कुल है, इंटरकैलेटिंग। डाइस ले लो, तो डीएनए में जाके अंदर फंस जाते, जैसे ईटीबीआर हो गया, राइट। ये चीजें अपन ले सकते हैं। चलो, ये तो हो गया छोटा सा इसके बारे में चीज की किस तरीके से डीएनए डैमेज होगा। अब मान लो कि अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कि हम उसको म्यूटेशन से कैसे डिफरेंट करेंगे या डिफरेंस करेंगे दोनों में, वो हमें कैसे पता लगेगा। तो एक जगह अपन लिख देते हैं कि डीएनए डैमेज है, सॉरी डैमेज, एक सेकेंड, क्या कोल्ड होता है ना, तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। डीएनए डैमेज दूसरा हो जाता है, डीएनए म्यूटेशन। देखो, पहले छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक टाइप है मिसमैच रिपेयर, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डीएनए डैमेज हो रहा, तो हम बोलेंगे कि डीएनए का एक फिजिकल या केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो कैसा हो जाता है, डैमेज हो जाता है। या तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, या फिर उसमें कुछ ऐसा बल्ज लाइक स्ट्रक्चर आ गया, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन यही पे हम लोग म्यूटेशन की बात करें, तो उसमें या तो फिजिकल या केमिकल चेंज आएगा। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, केमिकल को मैं चेंज लिख रहा हूं, या केमिकल चेंज आ जाएगा उसके स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर डीएनए डैमेज हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए काम नहीं करेगा, लेकिन म्यूटेशन हुआ तो डीएनए काम करेगा। दूसरा, नो सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा मतलब ना ही रेप्लिकेशन होना है, ना ही ट्रांसक्रिप्शन होना है, ना ही ट्रांसलेशन होना है, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा यहां पे। सेंट्रल डॉगमा टेक्स प्लेस, मतलब रन्स लिख सकते हो। थर्ड, अगर डीएनए डैमेज होता है तो यहाँ पे रिपेयर होगा, लेकिन अगर म्यूटेशन होता है
तो नो रिपेयर, ठीक है, चल कोई रिपेयर नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों का एक छोटा सा ओवरव्यू के बेसिस पे डिफरेंस है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसे कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं वो अपन देख लेते हैं। ओके, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर हम लोग डीएनए डैमेज की बात करें, जैसे हम लोग कुछ चीजों का नाम लिख रहे थे कि क्या क्या इसको डैमेज कर सकता है, उसी में कुछ चीजें और हैं। एक सोर्स हो सकता है एक्सोजेनस, तो एक सोर्स हो सकता है एंडोजेनस, मतलब या तो कोई ऐसा सोर्स है जो बॉडी के अंदर ही है, सेल के अंदर ही है, जो डीएनए को डैमेज कर रहा है, और कोई ऐसा सोर्स है जो बाहर से आ रहा है डीएनए को डैमेज कर रहा है, उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दो एंडोजेनस, यहां लिख दो एक्सोजेनस, अब हम उनके नाम लिख लेते हैं। अगर एंडोजेनस की बात करेंगे तो एक हो जाएगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसको शॉर्ट में ROS बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पे हो सकता है रेप्लिकेशन एरर, कि रेप्लिकेशन हो रहा था लेकिन उसी टाइम कुछ गड़बड़ हो गई। थर्ड, ये भी तो हो सकता है कि जो चीज रेप्लिकेशन एरर को सुधार रही हो उसी में गड़बड़ हो जाए, तो भी तो ये एरर आ सकता है, तो भी तो एंडोजेनस हो गया, तो अपन बोल देंगे पुअर रिपेयर एंजाइम्स या पुअर रिपेयर मशीनरी, ठीक है। अगर हम एक्सोजेनस की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, एक तो हमने लिखा ही था यूवी रेडिएशन, उसको फिर से लिख दो, ठीक है। एक हमारा आ जाएगा एक्सरेस, गामा रेस, ठीक है, ये आप ले सकते हो। फिर हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक तरीके से थर्मल डेसिपेशन, सॉरी डिसरप्शन, डेसिपेशन तो अपन प्लांट फिजियो में यूज करते हैं, जब हम क्लोरोप्लास्ट का वो पढ़ते हैं ना सिंथोफिल साइकिल, तब उसमें यूज करते हैं। चल ये हो गया, नेक्स्ट आ सकता है इसी में इंटरकनेक्टिंग एजेंट, इंटर कैलेक्टिंग, जो हम लोग ने वो डाई का नाम बोले थे ना, जैसे ETBR हो गया, प्रोफ्लाविन हो गया, एक्रिडिन ऑरेंज हो गया, ये सब इंटरकनेक्टिंग एजेंट्स में आते हैं, ठीक है। फिर एक हो जाएगा वायरस, ठीक है, साथ में ट्रांसपोजॉन भी हो सकते हैं, देखो वायरस की जगह मैंने वायरस ही लिख दिया, ठीक है, कोल्ड का इफेक्ट। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, फिर एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, तो हम इसको दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दोनों के लेवल पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ प्रोकैरियोट्स का देखेंगे, कोई एक एक होगा मिस मैच रिपेयर, सॉरी रिपेयर तो नहीं, मैं भी डैमेज का नाम लिखना है तो रिपेयर वर्ड हटाओ। चलो दूसरा हम ले सकते हैं बल्कि डीएनए फॉर्मेशन, मतलब वो एक तरीके से बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका। फिर डबल स्ट्रैंड ब्रेक, दोनों स्ट्रैंड एक साथ टूट गए, ठीक है। फिर बहुत कॉमन अल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन,
जिसमें ऑक्सीडेटिव एजेंट्स आ जाएंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, डीएनए डैमेज हुआ मतलब सब खत्म, वो सेल की बैड अभिज रही है। लेकिन म्यूटेशन हुआ तो डीएनए एक्सप्रेस तो होगा, डीएनए के जीन्स एक्सप्रेस तो होंगे, या तो एंजाइम बनेगा, या तो वो ढंग से काम करेगा, या तो कुछ ज्यादा ही काम करेगा, या बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन बनेगा जरूर, चलेगा जरूर। ठीक है, चल अब हम पहला देख लेते हैं, मिस मैच रिपेयर। किसमें देखेंगे आज? प्रोकैरियोट्स में देखेंगे। चल अब पहली बात, यहां पे नाम लिखा है मिस मैच रिपेयर, ठीक है, तो यहां पे ये बताओ ये मिस मैच का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात, कोई चीज मैच नहीं करेगी, लेकिन हम तो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए में तो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, तो क्या मैच नहीं होगा? न्यूक्लियोटाइड मतलब ऊपर वाले स्ट्रैंड में एक जगह कुछ गलत आ जाएगा और नीचे वाले स्ट्रैंड में कुछ और। हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे थे ऐसा मान लो, हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था, अच्छी बात है कि हमने पहले रेप्लिकेशन पढ़ लिया, अब हम करेक्ट कर पाएंगे। सपोज ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये कैसा स्ट्रैंड है? ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इसकी मदद से कोई नया स्ट्रैंड बना होगा कुछ इस तरीके से, इसको ऐसा कर दो और नीचे वाले को अपन ये डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, ये लो, क्लियर। चल अब हुआ ये कि इसमें ना बेसेस ऐड हो रहे थे, तो सब जगह बेसेस ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया था। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3 था, जो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करवाता है, तो वो अपना काम करके चला। अब हुआ ये कि यहाँ पे डीएनए में कहीं पे जी प्रेजेंट था, और रेप्लिकेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या लग गया, टी लग गया, हम चाहे तो ए भी लगा सकते हैं, गड़बड़ी में तो कुछ भी लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अब हमें कैसा दिखने वाला होगा आगे जाके, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा आगे कि भाई यहाँ पे ना बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो ये स्ट्रक्चर हमें गड़बड़ दिख रहा है, राइट, ये गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे जी था तो यहाँ पे टी, क्योंकि भाई इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, तो ये बेस फ्री है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, बल्ज स्ट्रक्चर बन गया, बाहर आ रहा है, तो अलग ही विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम आता है जो एक्चुअली प्रेजेंट है इसी के आसपास, वो घूमता रहता है, तो यहाँ पे एक ये प्रोटीन है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम कहते हैं म्यूट एस। ये कैसा है? डाइमर है, दो अलग अलग इसके फॉर्म्स एक साथ जुड़े हैं, घूम रहे, तो ये क्या करेगा, ये इस नए रेप्लिकेटेड डीएनए को स्कैन करेगा चेक करने को कि कहीं इसमें डैमेज तो नहीं हुआ। तो भाई साहब ये स्कैन कर रहे थे, इनको पता लग गया कि भाई यहां ना डैमेज हो गया है, तो ये आके यहाँ पे अटैच हो गए। जैसे ही अटैच हुए तो यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम आके इसके साथ तो जुड़ गया, जो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम बोल देंगे म्यूट एल, ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो मिसमैच था इसके आसपास एक साइट मिलती है हमें कुछ इस तरीके से, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसको अपन फिल कर देते हैं ऐसे, एक साइट है रिपीटेटिव डीएनए की, ये है जी ए टी सी, जी ए टी सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इसका, ठीक है, लेफ्ट से पढ़ो राइट से पढ़ो सेम लगता है। अब हुआ ये कि नीचे वाला ओल्ड स्ट्रैंड है तो ऊपर वाला न्यू स्ट्रैंड, इस सीक्वेंस के ऊपर एक दूसरा एंजाइम बैठा रहता है, वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस एंजाइम का नाम है म्यूट एच,
अब म्यूटेज कैसा है? इनएक्टिव है भाई। कब एक्टिव होगा? जब ये म्यूट एस और म्यूट एच कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जुड़े नहीं है, छोटा सा गैप है अभी बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये तो आप कहोगे सर ये तो अटैच ही कर दिया आपने, ये लो दोनों के बीच में अभी गैप, ठीक है। चलो अब होना क्या चाहिए, इस डीएनए को हम थोड़ा सा यहाँ पे बेंड करेंगे। जब बेंड करेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर्स पास में आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे म्यूटेल क्या करता है, म्यूटेल म्यूट एस और म्यूट एच को जोड़ देता है, जिस कारण म्यूट एच एक्टिव हो जाता है और अपना काम करता है। दूसरी बात, यहाँ पे म्यूट एच क्या है, एंडो न्यूक्लियस है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल स्ट्रैंड कट करता है, सिंगल स्ट्रैंड कट करेगा, ठीक है। ये ऐसा एंडोन्यूक्लिएज है। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए को बेंड होने देंगे। तो ये डीएनए अब हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो इसको हम ऐसा कर देते हैं, जो नया स्ट्रैंड था उसको ऐसा बना दो, 5-3, जो पुराना स्ट्रैंड था वो अंदर आ गया इधर ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे अपने पास एक सीक्वेंस प्रेजेंट था, तो एक इधर आ गया वो सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमें यहां मिल गया, राइट। अब ये जो सीक्वेंस है जिसको हम लोग कह रहे हैं GATC, तो यहाँ पे बन जाएगा GATC, उसका अपोजिट बन गया, ठीक है। अब ये जो GATC सीक्वेंस है, अगर इसकी बात करें तो इट इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 256 बेस पेयर। अगर हर 250 बेस पेयर के बाद रिपीट हो रहा है तो बहुत बड़ी चांस है कि किसी ना किसी मिसमैच एरर के आसपास मिल जाए, इसलिए म्यूट एज इसके ऊपर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ना एक डैमेज दिख गया था, तो यहाँ पे जी लगा था, सॉरी सॉरी यहाँ पर, अरे क्या हो गया, तो यहाँ पे जी लगा है और यहां पे टी लगा है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर आ गया, बल्ज आउट हो गया ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर हमने क्या किया, इस पे ये स्ट्रक्चर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। फिर एक दूसरा एंजाइम हमने लगा दिया था जिसको हम कह रहे थे म्यूट एल, फिर एक दूसरा एंजाइम था जिस कारण अब ये भाई साहब कांटेक्ट में आ गए इस तरीके से, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, तो ये हमें लगेगा कि इसने कांटेक्ट करवा दिया है, म्यूट एल। ये हो गया म्यूट एच, ये हो गया म्यूट एस, ये कॉन्टैक्ट में आ गए। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आए, अब ये भाई कट करना करेंगे शुरू, ठीक है। अब इनको कट करना है इस चीज को। चलो एक बार हम ऊपर देख लें कि हमने क्या क्या देख लिया, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएंगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देख लिया, ये इतना कवर हो गया अपना, एंजाइम्स के इसमें इसके नाम लिख लिए हैं, डैमेजेस के, और ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया था स्टार्टिंग में कि ये बल्ज आउट हो रहा है, फिर इसमें ये सब चीज प्रेजेंट है इस तरीके से। अब ये जो म्यूट एच था, इसको हम क्या बोल रहे थे, ये एक एंडोन्यूक्लियस है जो सिंगल स्ट्रैंड कट करता है। तो मान लो इस भाई साहब ने कट करना शुरू किया, जब ये कट करेंगे
एक्चुअली रुको, मैंने ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे इसको बना के, है ना। जस्ट अ मिनट, मेरे को इसको यहाँ बनाना था। चलो ये हो गया कंप्लीट, तो हो जाएगा सी जी ए टी सी। बस ये करेक्ट कर लो आप, ठीक है, और कोई चीज करेक्ट नहीं करनी है, बस ये चीज करेक्ट कर लो। अब ये इसके कॉन्टैक्ट में आ गया, चलो अब इट इज परफेक्ट, ठीक है, बस ये करेक्शन करना था और कोई करेक्शन नहीं है। चलो क्लियर। अब ये म्यूटेज क्या करेगा, एंडो न्यूक्लियस कट करेगा। कहां से कट करेगा, ये कहां पे कट करेगा, ये जो सीक्वेंस है ना जी ए टी सी ऊपर वाला, ये हम बोल रहे थे न्यू स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन म्यूटेज को कैसे पता लगेगा कि भाई ओल्ड स्ट्रैंड कौन सा है, न्यू स्ट्रैंड कौन सा है। तो अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ पे जी ए टी सी है, यहाँ पे जी ए टी सी है, तो इसके एडिनिन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो। अगर मिथाइल ग्रुप लग गया एडिनिन पे, मतलब वो स्ट्रैंड कैसा है, ओल्ड है, नहीं लगा तो वो न्यू है। लेकिन कौन लगाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप उसका पूरा नाम लिख लेंगे हम, वैसे वो डैम होता है एंजाइम का नाम, उसको अपन बोलते हैं डीऑक्सी एडिनिन मिथाइल ट्रांसफरेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डी ए एम, डैम। डीएनए, सॉरी डीऑक्सी एडिनिन मिथाइल ट्रांसफरेस, ठीक है। तो क्या करेगा, इस पे एडिनिन पर मिथाइल लगा देगा, तो ये होल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये इसको यहां से कट कर देगा, जब ये इसको कट करेगा तो स्ट्रक्चर आपको अब कैसा दिखेगा, हम फिर से ये स्ट्रैंड बना लेंगे, अब यहां पे कट लग चुका है, ठीक है। यहां पे वो सीक्वेंस लिख दो जी ए टी सी, ये इसका 5' बन गया, ये इसका 3' बन गया, यहाँ पे ये बाहर आ गया था क्योंकि यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट था, इसके साथ यहाँ पे ये वाला एक एंजाइम लगा दो जिसको हम म्यूट एस कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नॉर्मल बना दो 3' 5', यहाँ पे क्वानीन है, ठीक है, इसके साथ भी म्यूट एस लगा दो। फिर इसके ऊपर म्यूट एल लग गया, फिर ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया था, राइट। यहां पे भी वो सीक्वेंस है जी जी ए टी सी, यहां से कट लगा। अब अगर ये कट लग गया तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये इसका 5' एंड हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा 3' एंड, 3' एंड, ठीक है। अब यहां पे एक नया एंजाइम आएगा जिसको हम कहते हैं यू वी आर डी, जो क्या है, हेलिकेज है। तो वो भाई साहब आके बैठ गए, अब यहां से आगे जाएंगे तो क्या होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ देगा, ये स्ट्रैंड फ्री होता रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, यहां तक आ गया बढ़ते बढ़ते, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, कहां तक जाएगा, इस टी के बाद जाएगा, जैसे टी के बाद गया तो ये गिर जाएगा, स्टार्टिंग वाला 5' प्राइम एंड से चलेगा, चलते 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 थाइमिन तक आएगा जो गलत लग गया, जैसे थाइमिन को क्रॉस करेगा उसके बाद वहां से नीचे गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं, अब मैं काम करता हूँ इसी में, इसको ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ चीजें इरेज कर देता हूँ, तो ये तो हमारा रिमूव हो गया, तो इसको अपन यहां से हटा देते हैं। चल ये हो गया, इसके बाद एक नया एंजाइम इसमें रिक्रूट होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, रेक जे, तो इसको यहां से हटा दो। नया एंजाइम रिक्रूट हो गया, इसको हम कह रहे हैं रेक
जे, क्लियर, जो क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम मूव करेगा, लेकिन क्या है एक्चुअली, एक्सोन्यूक्लियेज है। तो ये एक-एक करके यहां से इस स्ट्रैंड को खत्म करने लगेगा, राइट? तो अब हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इसको दोबारा बनाएंगे हम। अब ये स्ट्रैंड पहले से छोटा हो गया, ये देखो यहाँ पे 3 रेक जे यहां तक आ गया होगा, ये वाला एज इट इज रहेगा पुराना स्ट्रैंड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? उसका सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ से थाइमिन बाहर निकला हुआ है, राइट? अब जब ये रेक जे चल रहा है, उसके पहले कि रेक जे लोड हो, इससे पहले कि रेक जे यहाँ पे लोड हो, तो यहाँ से क्या क्या निकल चुका होगा। यहाँ से आप म्यूट एस निकाल दो, म्यूट एल निकल गया, म्यूट एच निकल गया, ये सब रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कौन आ चुका है, रेक जे आ चुका है। ये ऐसे करते करते इस पूरे के पूरे स्ट्रैंड को खत्म करने लगेगा, लेकिन कहाँ तक, थाइमिन के बाद तक यहाँ तक आएगा, और फिर ये भी रेक जे जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर में क्या चेंज दिखेगा, स्ट्रक्चर में हमें चेंज ऐसा दिखेगा, ये ओल्ड स्ट्रैंड, इसमें ये सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे ग्वानीन था तो ये इतना इसने छोड़ दिया, क्लियर? ये 3 डैश और इसका ये 5 डैश बना है, और ऊपर से कट किया था तो यहाँ का भी कुछ ना कुछ छूट गया होगा, ठीक? इसका 5 डैश, इसका 3 डैश। अब क्या होगा, यहाँ पे अपना नया एंजाइम ले आओ, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3, जो इसको पूरा का पूरा बना देगा, 3 डैश का यूज करके यहां से स्टार्ट करेगा, पर आखिरी में ये छोड़ देगा, जिसको आप कहेंगे निक। इस निक की सीलिंग करनी है, सील करना है, कौन करेगा, करेक्ट, डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे आयरन हो गया रिमूव, ठीक है? क्योंकि क्या हो रहा था, ये आपका वो डीएनए का स्ट्रैंड है, चलो डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे एरर था, तो ये म्यूटेस आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, अब इसको यहाँ पे एरर मिल गया, कोई चीज बाहर निकले तो ये फंस गया, ये फंस गया तो उसने किसको ले आया, उसमें म्यूटेल आ गया, म्यूटेल किसने किसको स्पॉट किया, म्यूटेल ने, कि म्यूटेस आसपास है तो उसको खींच के ले आया डीएनए को बाइंड करवा के, तो म्यूटेल ने म्यूटेस और म्यूटेच को जोड़ दिया, जैसे जोड़ा तो म्यूटेच ने एंडोन्यूक्लियस कट कर दिया एक स्ट्रैंड पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है यूवीआरडी, जो हेलिकेज था उसने पूरे स्ट्रैंड को फ्री कर दिया, फिर रेक जे रीड करता गया, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 से आके सब रिपेयर हो, सब नया बन गया, और फिर उसके बाद कौन आ गया, डीएनए लाइगेज, उसके बाद फिर से म्यूटेस कभी आएगा, फिर से स्कैन करेगा, अगर सब कुछ सही लगा तो भाई सब ठीक है, गड़बड़ लगा तो फिर से रिपेयर मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है? तो चलो, अगर इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मुझे एक मोटिवेशन का रीजन मिलता है उससे। चलो, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे।